नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है YouTube ऑलराउंडर एवं YouTube बाबा चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूटूथ कनेक्टर फॉर नॉन ब्लूटूथ डिवाइसेस लाइक होम थिएटर स्पीकर्स एक्सेट्रा। इन जो पुराने डिवाइसेस आते थे, जैसे होम थिएटर था, स्पीकर वगैरह थे, जो जिसके अंदर यूएसबी सपोर्ट था लेकिन ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं था, तो उसको किस तरीके से हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ होम थिएटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक डिवाइस ख़रीदा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, ये आईबॉल का है। मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, लेकिन कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आप यही ख़रीदें। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इसके थ्रू HD साउंड क्वालिटी डिलीवर करता है। आप कहीं पे बैठ के ब्लूटूथ से अपने उसका मज़ा ले सकते हैं। तो आइए हम इसका वर्किंग देखते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों, ये पेन ड्राइव जैसा दिखता है, देखने में एक नॉर्मल पेन ड्राइव जैसा ही दिखेगा, ये उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिखेगा। आइए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको ब्लूटूथ कनेक्टर के नाम से बोला जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टर कहते हैं इसको, और ये 300 से 400 रुपए के अंदर बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसकी वर्किंग भी काफ़ी अच्छी है, और अगर कोई ज़्यादा अगर इसके मांगता है तो 300-400 रुपए से ज़्यादा इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप चाहें तो 300-400 रुपए में अपने 2-3-4 हज़ार रुपये के या 15-20 हज़ार का जो पुराना स्पीकर आपका जो है, उसको आप बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोनी का एक मेरे पास होम थिएटर था पहले, वो उसके अंदर मतलब ब्लूटूथ नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में जो भी ब्लूटूथ स्पीकर्स आ रहे हैं या जो भी वो होम थिएटर्स आते हैं, वो उसके अंदर सब में ब्लूटूथ आता है। तो मैं इसके थ्रू अपने होम थिएटर को ब्लूटूथ उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसकी आइए वर्किंग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक ज़ेब्रोनिक कंपनी का एक होम थिएटर है, इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ब्लूटूथ का फंक्शन पहले से नहीं है, इसके अंदर अब हम ब्लूटूथ एडिशनल हार्डवेयर के रूप में ऐड करेंगे, और उसके बाद में ये ब्लूटूथ एक बन जाएगा, ब्लूटूथ होम थिएटर बन जाएगा। मैं इसका कनेक्शन लेता हूँ, पहले चालू हो गया है। ये देखिए, ऑक्स पे ही चल रहा है अभी, इसको हम बनाएंगे ब्लूटूथ। ये इसके अंदर ये कनेक्ट किया, अब मोबाइल के हेल्प से हम इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। और मे भी देखिए, जैसे कि इसके अंदर ब्लूटूथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आईबॉल BT ये इसमें कनेक्ट हो चुका है। आइए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को इसके अंदर। ये मोबाइल के अंदर आवाज़ नहीं आ रही, ये होम थिएटर चल रहा है ब्लूटूथ मोड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक नॉन ब्लूटूथ होम थिएटर को एक ब्लूटूथ होम थिएटर में कन्वर्ट किया, आप मात्र 300 से 400 रुपए खर्चा करके इसको अपना बना सकते हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप दूर बैठ कर के भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसका नज़दीक जा कर के उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है AUX केबल लगा करके। इसी तरह कार के अंदर, जिस तरह से कार का डैशबोर्ड पे भी म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ होता है, उसके अंदर भी आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डिवाइस का यूज़ करिए और अपने नॉन ब्लूटूथ डिवाइस को ब्लूटूथ डिवाइस में कन्वर्ट करिए, HD वॉइस क्वालिटी का मज़ा उठाइए, और इसी तरह से हमारे टेक्निकल वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा मतलब वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और दोस्तों, अगर आपको कुछ टेक्निकल एडवाइस कंप्यूटर, मोबाइल, PC वगैरह जिसके मतलब भी चाहिए,
तो आप मतलब हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।